हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि स्मार्ट टीवी में आप यूट्यूब कैसे इंस्टॉल करेंगे, जो एपीके फाइल्स होती हैं वो आप कैसे इंस्टॉल कर पाओगे, वो पेन ड्राइव में कैसे डाल पाओगे। तो आज इस वीडियो में आप वो देखोगे। आपको पेन ड्राइव लगानी है, पेन ड्राइव लगाने के बाद आपको मीडिया सेंटर में जाना होगा। मीडिया में जाने के बाद इस एपीके फाइल में आपको जाना होगा। इस एपीके फाइल पे क्लिक करने के बाद रिमोट से इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा एक साइड में, एक साइड में कैंसिल का ऑप्शन आएगा। अब ये इंस्टॉल का ऑप्शन है, आप यहाँ पे इंस्टॉल कीजिए। ये इंस्टॉल करो आप। जैसे ही आपकी ये इंस्टॉल होगी, ये है हमारा स्मार्ट यूट्यूब का सॉफ्टवेयर। इस एप्लीकेशन में आपके जो यूट्यूब की प्रॉब्लम्स जो CXL PCB में आ रही हैं वो दोस्तों सोल्व हो जाएंगी। जैसे जैसे हमारे जो भी यूट्यूब के रिगार्डिंग जो भी दिक्कत आती है वो हम इस वीडियो में बता रहे हैं कि आपको ये एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड मारनी है, कैसे आप इस यूट्यूब को चलाएंगे, वो हम इस वीडियो में तकरीबन तकरीबन आपको सभी बता रहे हैं। अब ये देखिए हमारे इस यूट्यूब में कि हम किस प्रकार से ये स्मार्ट यूट्यूब हमने इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करने के बाद वो APK फाइल हमने इंस्टॉल की और उसको फिर उसके बाद ओपन किया है। ओपन करने के बाद ये यूट्यूब फाइल आपकी चल जाएगी और आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसमें लॉगिन वगैरह करके अपनी सारी की सारी वीडियोस जो भी होगा नए वाला फॉर्मेट से आ जाएगा इसमें, और आप इसमें अपना चला सकते हो। और अब दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने YouTube चला के एक बार बैक कर दिया है। अब हम दोबारा से करने जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि क्या क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब हम दोबारा से स्मार्ट यूट्यूबर लिखा हुआ आ गया है, उसका आप वो लोगो भी देख सकते हो कि उसका बाहर का लोगो किस टाइप का है। अब हमने दोबारा से इसको ओपन किया है। अब देखना आप, ये सर्फिंग हो रही है। ये थोड़ा बहुत है ना, हमारे यहाँ फैक्ट्री में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे नेट हमारा ठीक से नहीं चल पाता है। इसलिए दोस्तों हम थोड़ा सा वीडियो भी अभी ठीक से नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमारी जो ये एप्लीकेशन है वो ठीक से नहीं हो पा रही है, और ये इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद हमारी इजीली चल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, आगे के लिए फॉलो कीजिए।